इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के क्वेश्चन करने से पहले उसके फॉर्मूले जरूर देख रहे हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल है। दूसरा है एक्सिस पे, डायपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। डायपोल के बायसेक्टर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है जीरो। अच्छा, ये जीरो होता है। इसके साथ में एक और चीज देख लो कि अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर है आपके पास इस तरह से, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, ये इस कंडक्टिंग स्फीयर के रेडियस सपोज आर है, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो पूरे सरफेस के अंदर कहीं भी देख लो आप, तो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है ना? और वो कांस्टेंट कितना होगा? वो कांस्टेंट होगा जितना ये पॉइंट चार्ज के कारण होता है, मतलब V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर इतना होगा। और अगर बाहर किसी पॉइंट पे देखना है, मतलब इतनी डिस्टेंस पे, ये आर डिस्टेंस पे है, यहां देखना है, तो कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पे हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है ना? तो अंदर कांस्टेंट होता है और बाहर 1/इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये चीजें थोड़ी सी याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके बाद आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के क्वेश्चन भी, कैपेसिटेंस के फॉर्मूला भी देख लीजिए। कैपेसिटेंस होता है क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। तो यहां से हम बना सकते हैं सी इक्वल टू क्यू बाय वी। नेक्स्ट फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अगर देखें तो कितनी होगी? यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। और सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के आप अलग अलग फॉर्मूला इसके बना सकते हैं, जैसे हाफ इक्वल टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी, और हाफ क्यू इंटू वी। ये सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी देख लीजिए। एनर्जी डेंसिटी होती है दिस अपॉन वॉल्यूम, ये होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर? और यहाँ से आप ऐसा भी फॉर्मूला बना सकते हैं, 1/ε0, ई की वैल्यू क्या होती है? वी बाय डी, सो वी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये वॉल्यूम है। नेक्स्ट फॉर्मूला आप बना सकते हैं कैपेसिटर का, सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज फॉर्मूला क्या होता है? सी एस इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और इसके लिए इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिख सकते हो आप, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड अप टू एन। पैरेलल में सी पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल के लिए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो होता है V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, या Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर कैपेसिटर की बात करें तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, और अगर प्लेट्स के बीच कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर दिया जाए तो के का मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। हमेशा के का मल्टीप्लाई कहाँ होता है?
एप्सिलॉन नॉट के साथ होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर अगर आ जाता है कोई, तो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है C इज इक्वल टू 4 pi epsilon naught ए बी अपॉन बी माइनस ए। ए बी और बी माइनस ए बी क्या है, ए क्या है, बी क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर है तो इसमें क्या होगा, दो स्फीयर होंगे, एक छोटा स्फीयर और एक बड़ा स्फीयर होगा, है ना। तो ये जो छोटा स्फीयर है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल ए, और जो बड़ा है उसकी रेडियस हो जाएगी स्मॉल बी। ठीक है, ये इस तरह से तो स्मॉल स्फीयर है उसकी रेडियस स्मॉल ए, और जो लार्जर स्फीयर है उसकी रेडियस स्मॉल बी। ठीक है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। 12 नंबर पे इस फॉर्मूले को देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज सिस्टम या सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण, बहुत सारे अगर चार्जेस है तो उनके कारण एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R। और अगर बहुत सारे चार्जेस के सिस्टम है तो U1 प्लस U2 प्लस U3, अब ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए आपको वेक्टर सम करने की इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट आप एनर्जी का सम कर सकते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर C इक्वल टू 4 pi epsilon naught R। ये किसके लिए, मान लो आपके पास कोई एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये कैपेसिटर नहीं है, ये केवल एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी दी हुई है, जिसकी रेडियस दी हुई है हमें R। तो वैसे केस में अगर इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है तो आप 4 pi epsilon naught R से फाइंड कर सकते हैं। अगर इस R की जगह अर्थ की रेडियस रख दी जाए, क्योंकि अर्थ भी एक कंडक्टर है तो ये कंडक्टर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर अर्थ को रख दिया जाए तो कैपेसिटी बन जाती है 711 microfarad। ठीक है, एंड कई बार क्वेश्चंस में 711 microfarad ना देकर इन्फिनिटी दिया जाता है, तो अगर इन्फिनिटी देते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इन्फिनिटी। पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना है, ये अर्थ की कैपेसिटी है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। इसी तरह से पोटेंशियल कितना है अर्थ का, अर्थ का पोटेंशियल होता है 0। ठीक है, अगर आपसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछी जाए तो नेट फोर्स 0 कर दीजिए। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू 0, कब, जब इक्विलिब्रियम पूछा जाए। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे फोर्सेस को मिलाकर 0 कर दीजिए, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और बाकी आप आगे क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस के साथ में भी मैं फॉर्मूलाज यूज कर रहा हूँ, और वो फॉर्मूला और कुछ जो ट्रिक अगर कोई या कॉन्सेप्ट अगर कोई लॉजिक है अगर वहां पर, तो वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इन बेसिक फॉर्मूला को आप पहले देख लें और उसके बाद ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ठीक है, पहले इनको देख लें और उसके बाद में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये फॉर्मूला एक बार आप सारे देख लीजिए, इसका चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चन करने के लिए, सारे फॉर्मूले आप पहले देख लें। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो 80% तो ये फॉर्मूला सारे आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस में, और 20% जो बच जाते हैं वो क्वेश्चंस के साथ मैंने यूज किए हैं या उन लॉजिक को डिस्कस किया है मैंने।